आई होप यू आर आर डूइंग वेल यू के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना हमने स्टार्ट किया था यू के कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी टॉपिक हम जो है ना कवर कर चुके हैं ठीक है अगर वो आपने नहीं देखे तो आप यहाँ से प्ले लिस्ट से यू के कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं ठीक है आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वाले से है ठीक है अपर हाउस के फंक्शनस पावर्स को जो है न हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री वगैरह स्टडी करेंगे ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड के वाले से आज का हमारा टॉपिक है देखिए अगर मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बात करूं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि आर्टिकल 50 जो कहता है वो कहता है कि पाकिस्तान जो मजलिस शूरा कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली और सेनेट ठीक है ये तो पाकिस्तान के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियरली डिफाइन है पार्लियामेंट के वाले से ठीक है ऐसे ही अगर यू के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो पार्लियामेंट है ठीक है उसमें किंग अगर किंग है ठीक है तो वो किंग आते है अगर क्वीन है तो क्वीन आती है ठीक है किंग और क्वीन ठीक है उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन आते हैं ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड बेसिकली जो है ना वो अपर हाउस है ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड को हम अपर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ कॉमन को जो है ना हम लोअर हाउस कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जो है ना वो इतनी पावर्स नहीं है जितनी हाउस ऑफ कॉमन के पास है ठीक है यानी कि लोअर हाउस जो है वो उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं एज़ कंपेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड ठीक है पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर बहुत ज़्यादा थी ठीक है लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो टाइम गुजरता गया वैसे वैसे जो है ना हाउस ऑफ कॉमन की पावर्स को ज़्यादा करते गए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को कम करते गए ठीक है इस टाइम जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर्स ना होने के बराबर हैं वो हम डिस्कस करेंगे पहले क्या था पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास क्या पावर्स थी अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास क्या पावर्स हैं ठीक है कम्प्लीट डिटेल से जो है ना वो इसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बेसिकली जो है ना वो लॉर्ड्स बैठते हैं ठीक है नोबल लोग बैठते हैं कौन लोग होते हैं उसमें बेसिकली जो है ना वो रॉयल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ लोग कुछ लोग जो है ना हेरीटेट पेयर्स होते हैं ठीक है उसके बाद जो है ना वो कुछ जजेस वगैरह होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जो है ना वो अपनी स्टेट के लिए कुछ अच्छा काम किया हो ठीक है तो उसको जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है ना वो बिठा देते हैं देखिए पाकिस्तान में क्या सिस्टम है पाकिस्तान में जो है ना वो नेशनल असम्बली में लोग इलेक्ट होके आते हैं ठीक है यूके में भी हाउस ऑफ कॉमन में लोग इलेक्ट हो के आते हैं ठीक है, है? पाकिस्तान में सेनेट में जो है ना वो बेसिकली प्रोविजनलीक्शन होते हैं सैनट के लोग जो है ना वो प्रोविजनल असम्बली से इलेक्ट होते हैं ठीक है और देन फिर वो सैनट के मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड में ऐसा नहीं होता ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड में कोई इलेक्शन नहीं होते बस जो है ना वो उनको किंग जो है ना वही अपॉइंट करता है अगर क्वीन है तो क्वीन अपॉइंट करती है अगर किंग है तो किंग अपॉइंट तो करता है ठीक है वो सारा कुछ किंग और क्वीन किंग या क्वीन पे ही जो है ना डिपेंड कर रहा होता है ठीक है और जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न के साथ जो है ना उनको अपॉइंट करता है तो अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें ठीक है इस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड में बेसिकली सैवन एटी थ्री मेम्बर्स हैं ठीक है अब हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर की जो है ना वो, वो तो मेंबरशिप की जो तादाद है वो स्पेसिफाई नहीं है ठीक है जितनी मर्जी हो सकती है एट हंड्रेड से अबव भी गए थे और जो है ना वो सिक्स सेवेंटी से कम भी थे ठीक है तो मतलब कोई जो है ना वो मेंबर्स की तदाद जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं की गई लेकिन अगर मैं हाउस ऑफ कॉमन की बात करूँ तो वहाँ पे जो है ना वो सिक्स फिफ्टी सीट्स हैं ठीक है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है हाउस ऑफ़ कॉमन की जो है ना वो तादाद को जितने उधर वहाँ पे मेंबर्स जो है ना वो एट ए टाइम वहाँ पे बैठे होंगे ठीक है अब जो है ना बेसिकली क्या रोल प्ले करता है हाउस ऑफ लॉर्ड लेजिस्लेशन के वाले से ठीक है गवर्नमेंट पे चेक बैलेंस के वाले से क्या रोल प्ले करता है देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लॉर्ड्स जो है ना वो इलेक्टेड हो गए नहीं आते ठीक है उनको जो है ना वो किंग जो है ना वो सिलेक्ट करता है ठीक है और फिर जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनते हैं उसके बाद इनकी को पे वगैरह नहीं होती ये अनपेड होते हैं ठीक है इनके पास सिर्फ रिस्पेक्ट होती है और इनके पास यही होता है कि ये जो ना हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं ठीक है उसके बाद जो है ना बेसिकली ये पहले कोर्ट ऑफ अपील भी थी ठीक है अब जो है ना बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक अलहदा से जो है ना वो इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया गया जो कि वहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील है ठीक है पहले जो हाइ अपील होती थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड में होती थी ठीक है लेकिन अब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई है 2009 के बाद अब नॉमिनेशन के वाले से मैं डिस्कस करूँ पहले हिस्ट्री के वाले से बताता चलूँ आपको कि हिस्ट्री जो है इसकी मैग्ना कार्टा जब साइन हुआ था किंग जॉन और एबन बेरस के दरमियान ठीक है उसके बाद जो है ना वो कौंसल बनाई गई थी ठीक है ताकि वो किंग के जितने भी मामलाते हैं उनको चेक कर सके ठीक है जब वो कौंसल बनाई गई तो वही कौंसल जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनी ठीक है उसके बाद उसी जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसके पास जो है ना वो सारी पावर्स हाउस ऑफ लॉर्ड के पास चली गई थी ठीक है जब ये कौंसिल बनी थी तब जो है ना इसमें ट्वेल्व स्पीयर्स थे टेंथ टू ट्वेल्व स्पीयर थे ठीक है और वो रॉयल स्पीयर ही थे लेकिन उसके बाद जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जो है ना वो बहुत ज्यादा पावर्स चली गई थी ठीक है लेजिस्लेशन के वाले से जुडिशरी के वाले से ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि उसी हाउस ऑफ लॉर्ड में से कुछ कॉमन लोगों को उठाया गया और हाउस ऑफ कॉमन बनाई गई ठीक है फिर जैसे जैसे हाउस ऑफ कॉमन ग्रो हुई तो हाउस ऑफ कॉमन के पास जो है ना वो पावर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती गई ठीक है इस टाइम भी जो है ना वो लेजिस्लेशन के वाले से एग्जैक्टिव के वाले से सारी पावर्स जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं ठीक है देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है हा वो हाउस ऑफ कॉमन से ही इलेक्ट होता है ठीक है और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी एग्जैक्टिव पावर्स है उसके बाद मिनिस्टर्स जो हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं ज़्यादातर ठीक है तो सारी पावर्स जो है ना इस टाइम हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं अगर ये थी हिस्ट्री थोड़ी सी हिस्ट्री के वाले से डिस्कस किया है है हमने उसके बाद नॉमिनेशन के वाले से अगर मैं बताऊं तो वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसकी जो मिनिमम एज होनी होनी चाहिए किसी भी मेंबर की वो ट्वेंटी वन है ठीक है अब वहाँ पे जो बेसिकली वो ब्रिटिन ब्रिटिश का जो है नो सिटीजन होना चाहिए ठीक है और वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो हेरिडिटी पीयर्स लाइफ पीयर ठीक है आर्क बिशप्स ठीक है और बिशप्स ऑफ चर्च यानी कि जो चर्च के जो फादर वगैरह हैं वो वहाँ पे जो है ना वो इन मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के ठीक है इन एलिजिबिलिटी मीन्स के वो पर्सन जो कि अंडर चार्ज है बैंक है ठीक है लॉ ने जो है ना उसको डिसकॉलीफाई uh, किया है वो हाउस ऑफ लॉड का मेंबर नहीं बन सकता ठीक है या कन्विक्ट है किसी क्रिमिनल केस में तो वो हाउस ऑफ लॉड का मेंबर नहीं बन सकता कम्पोजिशन के वाले से बताता चलूँ तो मैंने पहले भी बताया कि बेसिकली इनकी जो है ना मेम्बर्स की तादाद जो है ना वो फ़िक्स नहीं है ठीक है ये वेरी करती है टाइम टू टाइम्स ठीक है अब इसमें जो मेम्बर्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं सबसे पहले जो है ना वो हेरिडिटी पीयर्स ठीक है नाइन्टी परसेंट जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ लॉट के वो हेरिडिटी पीयर्स हैं ठीक है अब हेरिडिटी पीयर्स मींस के वो लोग जिनको जो है ना वो किंग ने जो है ना वो अपॉइंट किया हो कि आप जो है ना आपकी जो नस्लें हैं ना बेसिकली वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर होंगी ठीक है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने जो है ना वो कोई अच्छा काम किया अपनी स्टेट के लिए ठीक है तो किंग ने जो है ना उसको कह दिया कि आप भी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेम्बर होंगे और आपकी जो नस्लें हैं वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेम्बर होंगी ठीक है तो और इसी हेरिटी पीयर्स की वजह से जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना वो काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म भी होता रहा ठीक है, है अब इसके जो पीयर्स हैं हेरिटी पीयर्स हैं उनको काम भी किया गया है ठीक है उसके ऊपर एक जो है ना वो एक्ट भी बनाया गया है ठीक है कि कौन लोग पीयर्स रहेंगे कौन लोग नहीं लेंगे बहुत से लोगों को किंग ने जो है ना वो निकाला भी था ठीक है किंग ने निकाला भी था ठीक है तो ये बेसिकली हेरिडिटी पीरियड्स जिनको किंग ने कहा हो कि आपने जो है ना वो बहुत अच्छा काम किया है और आपकी नस्लें भी जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर होंगी डेट इज़ देरिटी पीरियड्स ठीक है उसके बाद आता है कि पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड ठीक है सिक्सटीन मेंबर्स हैं जब जब ब्रिटिश की जो है ना यूनियन हुई थी स्कॉटलैंड के साथ तो सिक्सटीन मेंबर जो है ना वो बेसिकली स्कॉटलैंड के भी थे उसमें ठीक है उसके बाद जो आयरलैंड इरिश जो पीयर्स हैं वो वन ट्वेंटी एट्स हैं ठीक है ये बेसिकली जो है ना वो फिक्स है वन ट्वेंटी एट मम्बर्स थे ठीक है लेकिन जब आयरलैंड जो है ना वो एक लेट द सेपरेट स्टेट बनी तो फिर उसका कोई पीरियड्स नहीं था ठीक है लॉर्ड ऑफ अपील्स यानी कि जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये बेसिकली जो है ना वो कोर्ट ऑफ अपील भी था ठीक है एपलेट प्लेटफॉर्म था अपील के वाले से ठीक है तो यहाँ पे जजेज भी थे ठीक है तो जो सीनियर जजेस थे वो भी जो है ना इसके मेंबर्स थे हाउस ऑफ लॉर्ड के ठीक है तो उनकी जो उनकी भी जो है ना वो मेंबरशिप की जो तादाद है बेसिकली वो फिक्स नहीं है ठीक है लेकिन इस टाइम जो है ना वो नाइन टू ट्वेल्व मेंबर्स इसी टाइम भी जो है ना वहाँ पे हैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट सेपरेट हो भी गई है लेकिन अभी भी वहाँ पर मेम्बर्स हैं ठीक है उसके बाद स्परिचुअल पीरियड्स स्परिचुअल पीरियड्स मीन जो कि बिशोस बिशॉप या जो है ना वो आ, सीनियर बिशॉप्स जो थे ठीक है उनके वो जो हैं वो भी जो है ना हाउस ऑफ लॉड्स के मेंबर्स हैं ठीक है उसके बाद प्रिंसेस ऑफ रॉयलेट्स मतलब यानी कि वो, वो लोग जो कि किंग या क्वीन की फैमिली से बिलोंग करते हैं ठीक है वो मेंबर्स भी जो है ना हाउस ऑफ लॉड में जो है ना वो अपॉइंट किए जाते हैं ठीक है यानी कि जिसने जो है ना नेक्स्ट जो किंग बनना होता है जिसने वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर होता है ठीक है तो ये बेसिकली जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं ठीक है उनको भी जो ना हाउस ऑफ लॉड्स की मेंबरशिप जो है ना वो दी जाती है उसके बाद लाइफ पीरियड्स लाइफ पीरियड्स मीन कि कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत अच्छा काम किया हो और किंग ने उसको कहा होगा जब तक आप जिंदा हैं तब तक जो है ना आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेम्बर रहेंगे ठीक है हेरिडिटी पीरियड्स और लाइफ पीरियड में ये डिफरेंस है कि हेरिडिटी पीरियड्स में ये होता है कि किंग जो है ना वो वो पर्सन को कहता है कि आपकी नस्लें भी जो होंगी ठीक है आपके जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड की मेम्बर होगी ठीक है ये बेसिकली हेरिडिटी पीरियड्स में होता है लेकिन जो लाइफ पीरियड होता है इसमें ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई काम ठीक किया तो उसको ये कहा जाता है कि सिर्फ आप जो है ना वो जब तक आपकी लाइफ है तब तक जो है ना वो आप हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर रहेंगे ठीक है तो ये बेसिकली हेडिटी है, है, पीरियड्स और लाइफ पीरियड में ये डिफरेंस है उसके बाद सेशन के वाले से देखिए एक सेशन तो एनअल में होना चाहिए ठीक है और वो जो है ना नवंबर्स के बिगनिंग में ये तो कन्फर्म है वो सेशन जो है ना होगा लेकिन फिर भी जो है ना वो वो थर्टी फाइव वीक्स ईयर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली अबाउंड फोटी डेज के जो है ना वो सेशन जो है ना वो कंडक्ट होते हैं हाउस ऑफ फ्लाट्स में ठीक है वर्किंग डे इनका जो है ना वो मंडे टू वनसडे जो है ना वो टू टू थर्टी पी एम से है ठीक है एंड थर्सडे जो है ना वो थ्री पी एम से जो है ना बेसिकली वर्किंग डे जो है ना शुरू होता है और जो फ्राइडे है वो 11 एम से ठीक है तो ये बेसिकली वर्किंग डे के वाले से भी यहाँ पर जो है ना मैंने मैंशन की है ठीक है तो सेशन जो है ना वो एक कंपलसरी है एनअल में ठीक है उसके बाद अगर हम पावर्स और फंक्शंस की बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड की तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है लेजिसलेटिव पावर्स ठीक है लेजिसटिव पावर्स जो है ना वो पहले बहुत ज्यादा थी हाउस ऑफ लॉर्ड के पास यानी कि लेजिस्लेशन का सारा प्रोसीजर ही हाउस ऑफ लॉर्ड के पास था लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाइनटीन अलेवेंथ और नाइनटीन फोटी नाइन के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड के पास अब वो पावर्स नहीं है जो कि पहले थी ठीक है देखिए मनी बिल के वाले से सारी पावर्स हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं ठीक है जब भी मनी बिल हाउस ऑफ कॉमन से ओरिजिनेट होता है और हाउस ऑफ कॉमन से ही पास होगा ठीक है उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड के पास चला जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना बेसिकली उस पर अपनी जो है ना वो कंसर्ण दे या ना दे वो एक मंथ के बाद जो है ना वो किंग के पास चला जाएगा और किंग उसको साइन करेगा और वो बिल जो है ना वो पास हो जाएगा ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल बेसिकली होता है कि अगर कोई एनुअल बजट असाइन हुआ है अगर कोई टैक्स लगे इंडिविजुअल्स के ऊपर ठीक है कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर है ठीक है ये सारे जो है ना वो मनी बिल में आते हैं ठीक है एनुअल बजट वगैरह जो पैसों के मामला से रिलेटेड जो बिल होते हैं डेट सीधा मनी बिल ठीक है तो उसके वाले से हाउस ऑफ लॉड के पास कोई पावर नहीं है ठीक है ना उसमें अमेंड कर सकते हैं ठीक है ना उसमें कुछ आल्टर कर सकता कोई चेंजिंग नहीं कर सकता ये हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कोई पावर नहीं है ठीक है उसके बाद अदर जो कॉमन बिल्स हैं ठीक है जो दूसरे कॉमन बिल्स हैं ठीक है उनके वाले से अगर हम देखें तो उनके वाले से भी ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है ठीक है देखिए जब भी कोई कॉमन बिल अदर देन मनी बिल ठीक है मनी बिल होता है कि जो पैसों के रिलेटेड बिल था ठीक है उसके अलावा अगर कोई बिल हाउस ऑफ कॉमन से ओरिजिनेट हुआ है और हाउस ऑफ कॉमन है उसको पास करके उसको पास करके हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है ना वो भेजती है ठीक है अब हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना उसको एक साल तक जो है ना डिले कर सकते हैं ठीक है, है? आ, उसके बाद जो है ना वो खुद ऑटोमेटिक जो है ना बिल पास हो जाएगा और किंग के पास चला जाएगा ठीक है अगर तो आ, वो जो हाउस ऑफ कॉमन है वो चाहती है कि बिल जो है ना वो विदिन टू और थ्री मंथ के अंदर अंदर ही जो है ना वो बिल जो है ना वो किंग के पास चला जाए और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाए तो फिर हाउस ऑफ कॉमन क्या करती है कि फिर उसी बिल के ऊपर जो है ना फिर से रीडिंग करती है ठीक है फिर उसी बिल को जो है ना सेकेंड रीडिंग में वो पास करते हैं तो फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड की अप्रूवल के बगैर ही वो बिल जो है ना वो किंग के पास चला जाता है और किंग उसको साइन करता है और वो पास हो जाते हैं ठीक है मतलब कि हाउस ऑफ लॉर्ड के पास बिल को जो है ना वो अमेंड करने की आल्टर करने की ऐसा कोई पावर नहीं है ठीक है हाँ डिस्कशन जरूर होती है उसके ऊपर डिबेट्स जरूर होती हैं ठीक है आ, अपनी राय ज़रूर देते हैं ठीक है हाउस ऑफ कॉमन के पास राय भेजते हैं ठीक है अब वो हाउस ऑफ कॉमन पे डिपेंड करता है कि वो उनको सुने या ना सुने लेकिन हाउस ऑफ कॉमन उसके ऊपर बाउंड नहीं है ठीक है यानी कि सारी पावर्स जो है ना वो बिल के रिलेटेड भी हाउस ऑफ कॉमन के पास हैं हाउस ऑफ कॉमन उन पर बाउंड नहीं है ठीक है पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में जब नेशनल असम्बली बिल ओरिजिनेट करती है वो सेनेट के पास चला जाता है ठीक है सेनेट जब उसमें कोई चेंजिंग करता है उसमें अल्टर करता है ठीक है तो वो फिर जो बिल है वो नेशनल असम्बली के पास आता है ठीक है और फिर नेशनल असम्बली उसको देखती है ठीक है जो सेनेट ने आल्टर किया हो यानी कि सेनेट के पास पावर है लेकिन यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कोई पावर नहीं है ठीक है अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ऐसा कोई पावर नहीं है ठीक है उसके बाद पार्लियामेंट बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड इस इन मामला में इंटरफेयर नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट एक्ट जो है ना वो पास हुए हैं ठीक है आ, जो बिल है बेसिकली पार्लियामेंट के वाले से वो फाइव ईयर के आ, जो ज़्यादा है ठीक है बियॉन्ड अगर कोई जा रहा है तो वो उस पर जो है ना वो अपनी कोई लेजिस्लेशन नहीं पास कर जैसे कि आपको पता है ठीक है प्राइवेट बिल के वाले से जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकता ठीक है अगर कोई एंड ऑफ द सेशन कोई एक मंथ पहले जो है ना वो बिल गया है लॉर्ड्स के पास ठीक है तो उस पर जो है ना वो पार्लियामेंट एक्ट मौजूद है ठीक है उसके बाद जो है ना बिल विद स्टार्ट इन द लॉर्ड्स ठीक है उसके बाद ऊपर भी पार्लियामेंट एक्ट जो है ना वो मौजूद है ठीक है उसके बाद अगर हम कंट्रोलिंग पावर्स देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड की तो वो यही है कि ओरिजिनेट ऑफ ओपन डिबेट्स ओपन डिबेट्स होती हैं ठीक है दैन फिर स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं सभी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेम्बर हैं ठीक है फिर रिटर्न औरल क्वेश्चन क्वेश्चनिंग होते हैं ठीक है हाफ एन आवर वन एन आवर की क्वेश्चनिंग होती है ठीक है, है, है? रिटर्न और क्वेशन, क्वेश्चन होते हैं ठीक, है? हो है, ठीक, है? है, ठीक है तो ये डिफरेंस बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट वे से जो है न वो कंट्रोलिंग पावर्स हैं हाउस ऑफ लॉड के पास ठीक है डिबेट्स वगैरह होती हैं देखिए डिबेट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुकम्मल राइट right है डिबेट्स कर सकते हैं उस पर क्वेश्चन राइज कर सकते हैं ठीक है, है? वो उसको एग्जामिन कर सकते हैं तो ये डिफरेंस उस पर स्टेट्स में देख सकते हैं तो ये राइट्स तो है हाउस ऑफ लॉड्स के पास लेकिन हाउस ऑफ कामन इस पर बाउंड नहीं है कि वो इनको जो ना माने ठीक है उसके बाद इस इट्स अइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री पहले ये था कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी इन द कंट्री अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है इस टाइम ठीक है हाईएस्ट प्लेटफॉर्म एपलेट प्लेटफार्म जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट है ठीक है अब यूके में पहले यही था कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म था अपील के वाले से ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2009 में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट बनी ठीक है और अब जो सारी पावर्स हैं अपलेट प्लेटफार्म के वाले से हायर जो है ना अपील के वाले से वो सुप्रीम कोर्ट के पास है ठीक है पहले ये था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है न बेसिकली हायस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी ठीक है सिविल केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में क्रिमिनल केसेस में ठीक है टैक्सेशन uh, के जब जितने भी मामले मामलेस है वहाँ पे हायर uh, जो uh, अपील होती थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड में होती थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं ठीक है पावर ऑफ उसके बाद पावर्स ऑफ एक्सपर्टीज पावर्स ऑफ एक्सपर्टीज मीनस के कमेटीज़ बनाई जाती हैं ठीक है और उनके फर्दर नीचे जो है ना वो सब कमेटीज़ बनाई जाती हैं ठीक है अब जो एक जो यूरोपीय यूनियन सेलेक्टिव कमेटी होती है ना उसमें सेवेंटी पीयर्स होते हैं ठीक है जो कि इकानोमी और फाइनेंशियल अफेयर्स के मामला ट्रेड वगैरह के मामला इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट कॉमन uh, फॉरेन uh, के मामला इन्वामेंट के मामला लाइन इंस्टीट्यूशन के मामला सोशल अफेयर्स के मामला एजुकेशन के मामला से डील करता है ठीक है सेकंड जो कमेटी होती है वो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामला से डील करती है उसमें जो ना ट्वेंटी पीयर्स होते हैं उसके बाद जुडिशली वर्क के वाले से मैं बताऊँगा पहले हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना बेसिकली हायर कोर्ट ऑफ अपील थी लेकिन फिर जो ना सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई अब जो सारी जो हायर अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं ठीक है लेकिन जो रिटायर्ड जजेज़ हैं ठीक है वो इसके मेंबर्स हैं अभी भी हाउस ऑफ लॉर्ड के उसके बाद सेल्स से बड़ी कन्वेंशन इट्सो नोन सेल्स से बड़ी डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्स बड़ी ठीक है इसमें यू ये बेसिकली डॉक्टर ये कहती है कि कोई भी गवर्नमेंट बिल है ठीक है उसके ऊपर सेकंड और थर्ड रीडिंग हो चुकी है तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना उस पर अपनी कोई कंसर्न नहीं दे सकते ठीक है वो ख़ुद ब खुद जो है ना वो बिल जो है ना वो पास समझा जाएगा ठीक है तो मतलब इत, इतनी कम पावर है इस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ठीक है लेकिन फिर भी ये जो हाउस है वो एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो ये बेसिकली जो है ना वो सेल्फ स्टडी कन्वेंशन ये कहती है उसके बाद प्रविलिजेस क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड के पास फ्रीडम ऑफ़ स्पीच के वाले से प्रविलेजिज़ है ठीक है मैंने जैसे कि पहले कहा था कि वो पार्लियामेंट में जो है ना वो पब्लिक ओपिनियंस के वाले से या उसके बाद कोई भी अगर कोई सॉवरन के साथ तो उनकी फ्री एसेस है ठीक है और उसके बाद जो है ना वो राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ठीक है उसके बाद जो है ना उनके पास फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ठीक है उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ पीरिज मतलब इनके पास जो ना, different है ना डिफरेंट प्रिविलीजीज़ है ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उसके बाद जो है ना वो कॉन्टिन्यूस ऑफ हाउस जस्टिफिकेशन क्या है बेसिकली जो है ना इसको इसलिए एबोलिश नहीं किया जा रहा है कि इट्स द कस्टम्स ऑफ ब्रिटिश ठीक है ट्रेडिशन से ये जो हाउस है वो इस्टेब्लिश हुआ है ठीक है डेट्स वाइज अभी हमने पढ़ा भी है कि इसके पास इस टाइम कोई सच को पावर्स नहीं है ठीक है uh, सिर्फ इसी यही पावर्स है उसके पास कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेम्बर्स हैं ठीक है उसके अलावा तो ऐसा चीन के पास कोई इतनी खास पावर नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी जो ना है ना uh, वो ये जो हाउस है ठीक है उसको अबोलिश नहीं किया जा रहा द रीज़न इज़ कि इट्स अ ट्रेडिशनल हाउस ठीक है और ब्रिटिश जो है ना वो अपने कस्टम्स को नहीं छोड़ते और डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड डिटेल डिस्कस डिस्कस होती है इनको आ, जो जो भी बिल जो है ना वो सब कॉमन से जो है ना वो पास होता है हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील अब तो नहीं रहा है ठीक है मम्बरशिप जो है ना वो रिस्पेक्टिव है ठीक है किंग जो है ना यहाँ पे आ बैठता है और जो मेंबर्स हैं उनकी जो है ना फ्री सेस होती है किंग के साथ ठीक है पब्लिक ओपिनियन पे बात होती है ठीक है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स हैं अरिस्टोक्रेसी को प्रमोट किया गया है ठीक है नोबल लोग जो है ना यहाँ पे बैठते हैं उसके बाद एट द एंड हम इसका कंक्लूजन डिस्कस करें तो बेसिकली जो है ना वो लेजस्लेटिव uh, बॉडी है हाउस ऑफ लॉर्ड ठीक है गवर्नमेंट के जितने भी मामला आते हैं एग्जेक्टिव uh, के वाले से उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करती है उनसे क्वेश्चन कर सकती है ठीक है गवर्नमेंट बाउंड तो नहीं है कि इनके सवालों का जवाब दे लेकिन फिर भी जो है ना वो uh, इनके पास ये पावर्स है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट को जो है ना वो क्वेश्चन कर सकती है ठीक है और ये बेसिकली जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वाले से हमारा टॉपिक था नेक्स्ट टॉपिक में इनशाला हम जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन को डिस्कस करेंगे इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो से पूछ सकते हैं नोट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तब तक तक लिए दो हम यहाँ रखेगा